स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पीजीआई और रोहतक कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेज के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। पैरामेडिकल के जितने कोर्सेज हैं उनके बारे में नहीं बात करेंगे, उनकी कट ऑफ के बारे में नहीं बात करेंगे, चाहे पीजीआई रोहतक हो या चाहे अदर कॉलेजेस हो। तो सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज जो है हरियाणा में, जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, उन्हीं की कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ साथ मैं हर कैटेगरी की कट ऑफ को डिटेल से डिस्कस करूंगी। जनरल की भी, एससी की भी, एसटी की भी, सीए बीसी भी, सभी कट, ईडब्ल्यूएस की, पीडब्ल्यूबीडी की, सभी कैटेगरी की कट ऑफ मैं तुम्हें कॉलेज वाइज जो बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। ऐसी लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, जो कि हरियाणा में है, दैट इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक, जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही एडमिशन ले सकती हैं बीएससी नर्सिंग में। सेकेंड इज़ दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को एजुकेशन, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है करनाल में, एंड यहाँ पर बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स एडमिशन ले सकती हैं बीएससी नर्सिंग में। ये डाउट है काफ़ी बच्चों को अभी भी, क्या पीजीआई रोहतक के फॉर्म निकल चुके हैं? हाँ, पीजीआई रोहतक के फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज ऑफ पीजीआईएमएस रोहतक, हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक के बारे में बात करेंगे। हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं, 37 सीट्स दी गई है जनरल कैटेगरी को। तो इसकी जो कट ऑफ अपनी रहने वाली है वो रहने वाली है 130 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे। 180 जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें यहाँ पर आपको जो है 130 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे। 60 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स, 60 फिजिक्स आएगी और 60 नंबर की केमिस्ट्री, 60 नंबर की बायोलॉजी आएगी। 130 मार्क्स आपको लेके आने होंगे, 130 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे, तभी आप लोग सेफ रहेंगे एंड सेफ स्कोर है ये, तभी आप लोगों का एडमिशन होगा। बात करें बीसीए कैटेगरी से रिलेटेड, बीसीए कैटेगरी में हमें कितने मार्क्स लेके आने होंगे? सो स्टूडेंट्स बीसीए कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो हैं अपनी 10, ठीक है, 10 यहां पर बीसीए की हैं, पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आपका पीजीआई रोहतक में एडमिशन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको दिखाऊं तो आप लोगों को डाउट सेक्शन में मेंशन करना होगा, एंड पैरामेडिकल की कट ऑफ से रिलेटेड भी आपको डाउट सेक्शन में मेंशन करना होगा। तो अब मैंने बता दिया आपको 120 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे, जो कि अपने रहेगा 180 का एग्ज़ाम उसमें। बीसीपी में बात करें तो अगेन हमारी जो सीट है वो है 8, ठीक है। तो 8 सीट में 11% सीट दी गई है बीसीबी को, इनकी भी कट ऑफ 120 प्लस जाने वाली है स्टूडेंट्स। 120 प्लस मार्क्स आप लोग लेके आएंगे जब, तभी पीजीआई में एडमिशन होगा आपका। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% सीट दी गई है, मतलब 7 सीट मिली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 82 में से। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 122 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे, तभी ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन होगा। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो अपनी सीट्स हैं दैट 7, यहां पर 10% सीट्स दी गई हैं। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 115 प्लस, ठीक है, 115 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे। एससी डी की जो अपनी जाएगी कट ऑफ वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, एससी डी की 7 यहां पर सीट्स हैं, एससी डी की कट ऑफ 102 प्लस जाने वाले स्टूडेंट्स पीजीआई रोहतक की। पीडब्ल्यूबीडी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी की जो अपनी कट ऑफ रहती है वो काफी कम रहती है एज कंपेरिजन टू द अदर कैटेगरीज, एंड इनकी जो अपनी सीट्स रहती है वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जनरल में अलग सीट होंगी, एससी में अलग सीट होंगी, एससी डी में अलग, बीसीए में अलग, बीसीबी में अलग। तो यहाँ पर अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिल जाता है कैटेगरी वाइज। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 80 प्लस जाएगी, 80 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सीईटी में, तभी आपका सिलेक्शन होगा दिस पर्टिकुलर कॉलेज में पीजीआई रोहतक में। तो ये हमने पीजीआई रोहतक से रिलेटेड डिस्कस कर लिया कंप्लीट। पीजीआई रोहतक में यहाँ पर टोटल 82 सीट्स हैं, वहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दी कैटेगरी वाइज कि कितनी अपनी को सीट मिली है,
हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी को कितने मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से इतने मार्क्स लेके आएंगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज पीजीआई रोहतक में एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड कॉलेज इज दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो टोटल 44 सीट्स हैं एंड को एजुकेशन है, बॉयज़ को भी यहाँ पर चांस मिलेगा एडमिशन लेने का, बॉयज़ को भी एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलो हम लोग डिस्कस कर ले, कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जनरल को सीट्स मिली हैं, दैट इज 21 सीट्स जनरल को दी गई हैं करनाल में स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ पर जो अपनी कट ऑफ रहने वाली वो रहेगी 125 प्लस 125 एंड 125 प्लस, जिसके भी मार्क्स होंगे जिन स्टूडेंट्स के भी, उनका 101% सिलेक्शन हो जाएगा करनाल कॉलेज में। सेकेंडली हम बात करें एससी कैटेगरी से रिलेटेड, एससी कैटेगरी की टोटल अपने को जो सीट देखने के लिए मिल रही है दैट इज़ 4 एंड एसईडी की 4 सीट्स हैं स्टूडेंट, बीसीए की 6 सीट्स हैं, बीसीबी की 4 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 4 सीट्स हैं। तो चलो हम बात कर लें नेक्स्ट कैटेगरी बीसीए के बारे में। बीसीए की जो कट ऑफ रहेगी वो 117 प्लस रहेगी, 117 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, तभी आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला करनाल में गवर्नमेंट कॉलेज में। नेक्स्ट हम लोग बात करें बीसीबी कैटेगरी के 4 सीट्स में, हम बीसीबी कैटेगरी पे आपको मार्क्स लेके आने होंगे 112 प्लस, अगर आप लोग मार्क्स लेके आएंगे बीसीबी कैटेगरी से तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में होने वाला है। नेक्स्ट बात करें एससी कैटेगरी के से रिलेटेड, तो एससी कैटेगरी जो कट ऑफ जाने वाली है करनाल की वो रहेगी 110 प्लस 110 और इससे ज़्यादा मार्क्स जो भी कैंडिडेट्स लेके आएंगे उनका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें एससीडी के बारे में, एससीडी की जो यहाँ पर अपनी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 95 आपको मार्क्स लेके आने होंगे, 95 से जिसके भी ज़्यादा होंगे एससीडी में उसका करनाल में सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस करनाल के बारे में, तो यहाँ पर जो अपनी कट ऑफ जाने वाली है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं 4 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस की, तो वो अपनी 116 प्लस कट ऑफ जाने वाले, 116 एन से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लोग लेके आएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करें पीडब्ल्यूबीडी की कट ऑफ, तो पीडब्ल्यूबीडी की कट ऑफ 70 प्लस जाने वाले, 70 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। सो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई है एंड हर साल कट ऑफ जैसे कि बढ़ती चली जाती है, तो उसी अपग्रेडेड कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस बार जितनी जाने वाली एक्जैक्ट इतनी ही जाएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इससे ज़्यादा अगर आप लोग मार्क्स लेके आएंगे, इतने मार्क्स लेके आएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट कॉलेज है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, सिर्फ फीमेल्स के लिए है एंड टोटल 66 सीट्स हैं एंड जनरल को 30 सीट मिलती हैं स्टूडेंट। 30 सीट में जनरल को आपको जो मार्क्स लेके आने होंगे जनरल कैटेगरी से दैट इज़ 115 प्लस आप लोग अगर मार्क्स लेके आएंगे जनरल कैटेगरी से तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदों में एडमिशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन, एससी के लिए 6 सीट्स हैं, एससीडी के लिए 5 सीट्स हैं एंड बीसीए के लिए 9 हैं, बीसीबी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट्स हैं स्टूडेंट। चलो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट अपना कट ऑफ के बारे में। बीसीए की सफीदों की जो कट ऑफ जाएगी वो 110 प्लस रहेगी स्टूडेंट्स, 110 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे। बीसीबी की 105 प्लस रहेगी, एससी की 102 प्लस रहने वाली है स्टूडेंट्स, एससीडी की जो कट ऑफ रहेगी वो 85 प्लस रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 105 प्लस, पीडब्ल्यूबीडी की 65 प्लस कट ऑफ स्टूडेंट्स रहने वाली है सफीदों के गवर्नमेंट कॉलेज की। तो ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज जो कि हरियाणा में सिचुएटेड हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, इनकी कट ऑफ मैंने आपको बारीकी से समझा दी, कैटेगरी वाइज भी बता दी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। आई थिंक वीडियो में आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ऐसे लगातार अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।